दही से फाड़ के ये कॉटेज चीज ही बना सकते हैं घर में। लेकिन कमर्शियली एक चीज होती है रेनेट, जो कि बेसिकली यंग काउज जो होती है ना उनके स्टमक में होता है, या जिस काउ ने बच्चा दिया होता है ना नया नया, उसके दूध में वो पाया जाता है, उसके स्टमक की लाइनिंग होती है, बेसिकली लाइनिंग में होता है वो। और वो आप जब दूध में मिलाते हैं ना तो दूध फट जाता है, और उसके बाद फिर आप चीज, उस दूध से चीज बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो रेनेट पाकिस्तान में तो आई रियली डोंट नो, बट कमर्शियली इटली जाना पड़ेगा आपको। इटली में डेफिनेटली आपको रेनेट जो है ना मिल जाएगा। ओके, और पाकिस्तान में आप सिरका यूज कर सकती हैं दूध को फाड़ने के लिए, लेकिन घर में आप सिर्फ कॉटेज चीज बना सकती हैं, क्योंकि चेडर चीज को भी मैच्योर होने के लिए काफी अरसा चाहिए होता है, तकरीबन 8-9 महीने चाहिए होते हैं कि उसको आप रखें और फिर वो चीज की जो है ना वो एक शेप भी आए और उसका टेस्ट भी आए। तो मैं घर पे आई डोंट नो, घर पे नहीं बना सकते आप चीज अनलेस यू आर प्रोफेशनली ट्रेंड। अगर आपने कहीं काम किया हुआ है तो फिर आप शायद घर पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खैर हम घर पे छोटी मोटी चीजें बनाते हैं और इन्हीं को खुश होकर खा लेते हैं, और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो हम बाजार से ले लेते हैं, क्योंकि वो बाजार में सस्ती भी मिल जाती हैं, बेहतर भी मिल जाती हैं, और वो जो एक फटीक होती है ना आपको काम करने का जो वो होता है उससे आप बच जाते हैं। एनीवेज ये ट्रे तो बहुत गंदी हो गई है, अब आप देख लें कि मैंने इसको स्टफ कर दिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ये बटर, और हाथ में साफ कर लेती हूँ। और एक और सवाल भी था हमारे पास हैदर अब्बास का कि व्हाट इज सुशी। अच्छा, सुशी तो बहुत ही वेल नोन चीज है, जापानीज बेसिकली राइस रोल्स होते हैं जापान के, और उसके अंदर तो कभी फिश भी होती है उसमें, एवोकाडो, कैरेट्स, क्यूकम्बर, बहुत बारीक कटे हुए ना फाइन चॉप्ड वो भी होते हैं, लेकिन सुशी में सीवीड का इस्तेमाल होता है, रॉ फिश का, प्रॉन्स का, लॉबस्टर का, इन सब का इस्तेमाल होता है। और सुशी मेरी तो फेवरेट है, लंच के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत मज़ेदार लगती है, और अगर आपको भी अच्छी लगती होगी तो फिर आप आई एम श्योर खाते होंगे। एनीवेज हाथ एक बार फिर साफ करूं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने बटर भी इस पर डाल दिया। अब हम इसको, ये फार्म स्टाइल है ना, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, और काटने के बाद फिर मैं इसको फोल्ड करूंगी, या थोड़ा सा इसको फैला लेंगे तो इसको, ये देखें इसको थोड़ा सा फैला लें तो फिर आपको ये पफ पेस्ट्री को ना काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम थोड़ा सा, अब मैं ये दिखा के फिर आपको ब्रेक पे हम जाएंगे, है ना। ये आप देखें कि इस तरह से मैं इसके किनारे फोल्ड करी, जैसे फार्म स्टाइल मैंने आपको एक दफा एप्पल पाई सिखाया था ना, तो उस तरह की चीज है। तो ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ओके। और बटर है इसके अंदर, टमाटर है इसके अंदर, और ये जो टमाटर है ना इनको मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल के वो किया था, तो ये बड़े जबरदस्त से रेडी हो गए। अच्छा, अब इसके जो किनारे हैं ना यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा मोजरेला चीज लगाऊंगी, तो इससे ये और ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो इसको हम बेक करेंगे इतना कि ये पफ पेस्ट्री जो है फूल जाए, ये मोजरेला चीज जो है ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, और खाने के लिए रेडी हो जाए। फिर हम सॉस बनाएंगे, तैयारी करेंगे, और चाय बनाएंगे, और दोस्तों को बुलाएंगे, और फिर ये मज़ेदार सा पाए जो है, टमेटो एंड कॉटेज चीज पाए, ये हम इंजॉय करेंगे। जब अवन जो है हमारा प्री हीटेड है, इसको मैं डाल रही हूँ बेक करने के लिए, और मैं कुछ थोड़ी देर के लिए मैं फारिग हो गई हूँ। फिर आखिर में इसको हम फ्रेश हर्ब्स से गार्निश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सोया सब्जी भी है, थोड़ा सा धनिया भी है, और अभी मैं वापस आऊँगी तो फिर आपको ये अखरोट की चटनी है इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगी। हाँ, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और ब्रेक पे जाने तक, ब्रेक से वापस आने तक मैं सिर्फ ये चिकन जो है ना इसके बारीक बारीक पीसेस करूँगी। आप ले लेंगे छोटा सा ब्रेक।